नमस्कार दोस्तों, केपीएसआईटी में आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग लेके आए नई वीडियो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो दोस्तों जिससे भी इंडियन पायर लिमिटेड कंपनी दोस्तों उसमें बहुत दिनों के बाद दोस्तों फिर से एक न्यू कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो इसी कैंपस प्लस फंड के बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। इस कैंपस प्लस में दोस्तों आईटी पास आउट स्टूडेंट भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा दोस्तों आईटी पास आउट स्टूडेंट के लिए सैलरी रखा गया दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको दो तरह का जॉब दिया जा रहा है दोस्तों, जिसमें टेक्निकल ट्रेनर के लिए आपको लिया जाएगा और अप्रेंटिसशिप के लिए भी आपको लिया जा रहा है दोस्तों। तो जो टेक्निकल ट्रेनर के लिए जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो सैलरी रखा गया वो 20,830 रुपया रखा गया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों आप लोग के लिए टेक्निकल ट्रेनर के लिए यहाँ पर सैलरी रखा गया। और जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे सैलरी 15,000 रुपया रखा गया दोस्तों। तो सैलरी दोनों के लिए अच्छा रखा गया दोस्तों। और भी दोस्तों जो अप्रेंटिस वालों को जो है फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जा रहा है, लेकिन जो टेक्निकल ट्रेनर के लिए जॉब करना चाहते हैं उनके पास पहले से अप्रेंटिस होना चाहिए, या आपके पास किसी भी कंपनी में 7 महीने काम किए हैं, 6 महीने काम किए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें कैंपस प्लेसमेंट में जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तो उन रजिस्ट्रेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जाने से पहले मेरे साथ साथ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद दोस्तों आप लोग कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे, ताकि दोस्तों वहाँ पर जाने आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं जैसे भी इंडियन पायर लिमिटेड कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग जैसे भी कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कंपनी नाम नीचे दिया गया, जैसे भी इंडियन पायर लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है। यहाँ पे देखे दोस्तों आईटी पास आउट स्टूडेंट के लिए कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अवार्ड कंपनी, कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंपनी कब स्थापित हुई थी, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, कहाँ की कंपनी है दोस्तों, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लार्सन टिब्रो कंपनी भी दोस्तों कैंपस प्लस में लगाने के लिए जा रही है, तो उसका भी दोस्तों नोटिफिकेशन पर लिंक दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखने को मिलेगा, और इसका नोटिफिकेशन आपको जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो जॉब रोल आपका इसमें रहने वाला है वो जैसे भी कंपनी में आपको टेक्निकल ट्रेनर एंड अप्रेंटिस जॉब के लिए दोस्तों आपको इसमें लिया जा रहा है। जो आपका जॉब लोकेशन दिया जाएगा दोस्तों वो जयपुर राजस्थान में दोस्तों आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। जॉब ड्यूरेशन टाइम जो रहने वाला है वो 1 ईयर के लिए दोस्तों आपको इसमें लिया जाएगा, 1 साल के लिए लिया जा रहा है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया वो 10th के साथ दोस्तों आपका आईटी कंप्लीट होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। चाहे आप आईटी एनसीबीटी से किए, एनसीबीटी से किए, चाहे गवर्नमेंट आईटी कॉलेज आईटी किए, प्राइवेट कॉलेज आईटी किए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं दोस्तों। और भी दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया गया कि आपका 10वीं में दोस्तों कम से कम आपका 50% नंबर होना चाहिए और आईटीआई में आपका 60% नंबर होना चाहिए, तभी आप इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने से पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तो उन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आईटी पास ईयर जो दिया गया वो 2020-21 और 2022 पास आउट स्टूडेंट इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। जो आईटी ट्रेड यहाँ पे देगा वो देख सकते हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, यहाँ पे देख सकते हैं वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक, ये सब ट्रेड यहाँ पे दिया गया। तो जिनका जिनका ट्रेड है वो इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग जाने से पहले अपना अपना जो दोस्तों ट्रेड देख लीजिएगा, पासिंग ईयर भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप जाएंगे, ताकि वहाँ पे जाने के बाद आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों इसमें जो एक्सपीरियंस लिया जा रहा है वो आपको जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें जॉब पा सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल ट्रेनर के लिए जॉब करना चाहते हैं उनके पास न्यूनतम 6 महीने की किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव तथा 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इन दोनों में से एक होना अनिवार्य। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया दोस्तों, आप अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आपका किसी भी कंपनी में अगर 6 महीना काम किया उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप अप्रेंटिस किए हैं तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बिना 6 महीने के एक्सपीरियंस के बिना और बिना अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट के बिना आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको उसमें नहीं लिया जाएगा। हाँ, अप्रेंटिसशिप के लिए आपको लिया जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट पहले अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो फिर से दोबारा अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो एज लिमिट रखा गया 18 से 24 रखा गया, तो जिनका 18 से 24 साल तक है वो इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। जेंडर यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों भाग ले सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल ट्रेनर वालों को जो दिया जाएगा, जिनके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस मांगा गया, उनको यहाँ पे 20,830 रुपया दिया जा रहा है, और जो अप्रेंटिस वाले हैं फ्रेशर कैंडिडेट उनको यहाँ पे 15,000 रुपया दिया जा रहा है। तो सैलरी दोस्तों दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रखा गया, और एक चीज इसमें कि महिला पुरुष दोनों को इसमें लिया जा रहा है। जो दोस्तों आप कैंपस प्लेसमेंट जाएंगे, जाने के टाइम जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट रिज्यूम,
आपको लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन का मार्कशीट आपको लेके जाना है, फोटो चार कॉपी कलर वाला लेके जाना है, बैंक का पासबुक आपको लेके जाना है, इन सारे डॉक्यूमेंट का दो तीन कॉपी जेरोक्स कॉपी लेके जाएंगे, उसके साथ वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, क्योंकि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाएगा। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया दोस्तों, तो इस नोट को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि यहाँ पे साफ साफ लिखी गई, सभी प्रशिक्षणार्थी को अपना रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटो एवं दस्तावेज की फोटो कॉपी साथ लेकर आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जेरोक्स कॉपी भी साथ में लेके जाएंगे और डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगे, वही यहाँ पे बोला गया। कैंपस ड्राइव में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार का किसी भी प्रकार का जो है भत्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब दोस्तों आप किसी भी जा रहे कैंपस क्वेश्चन में, आपसे अगर कोई पैसे से मांगता है तो आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री फ्री लगाने के लिए जा रही है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो दोस्तों आपको COVID-19 का गाइडलाइन पालन करते हुए वहाँ पे आपको जाना है। आप जब जाएंगे दोस्तों तो गर्मी का मौसम है, साथ में आप दोस्तों पानी का बोतल जरूर लेके जाइएगा, सैनिटाइजर भी लेके जाएंगे, मास्क भी पहन के जाएंगे। दोस्तों इस कैंपस में केवल जयपुर राजस्थान के ही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया जो राजस्थान से है दोस्तों, जयपुर से, वही केवल इसमें भाग ले सकते हैं, अदर स्टेट वालों को इसमें नहीं लिया जा रहा है। कैंपस इंटरव्यू डिटेल्स जो दिया गया वो देख सकते हैं। कैंपस डेट 22 जून 2023 को एक कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। जो टाइम दिया गया सुबह 10 बजे कैंपस प्लेसमेंट लगेगी। जो कैंपस वेन्यू दिया गया वो देख सकते हैं, गुरुकुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मंगलम सिटी, जो कालबार रोड जयपुर में कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो वहीं आपको जाना पड़ेगा दोस्तों 22 जून 2023 को, लेकिन जाने से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जगह आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूं दोस्तों। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उसका फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ से जाके आप भर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद ही आप वहाँ पे जाएंगे, ताकि वहाँ पे जाने के बाद आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कर देना है, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।